हाय गाइस, OnePlus 7T Pro क्या आपको 2021 में कंसिडर करना चाहिए, ये जानते हुए अभी कि OnePlus 9 सीरीज 10-15 दिन के अंदर लॉन्च होने वाला है एंड OnePlus 8 सीरीज लॉन्च हो चुका है इसके बाद। एक्चुअली गाइस, ये 44,000 रुपीज़ में आता है न्यू, अभी काइंड ऑफ अमेजन में कभी कभी रहता है नहीं रहता है, तो 44,000 में न्यू लेने का बिल्कुल भी पॉइंट नहीं है, मैं आपको फर्स्ट ही क्लियर कर देना चाहता हूँ। बट गाइस, मैंने एक्चुअली इसको सेकेंड हैंड मार्केट से खरीदा है लिटरली 28,000 में, फुल किट वाला था एंड गाइस सिर्फ एक 6 to 7 month यूज था, वारंटी भी बाकी था, ऑब्वियसली बहुत ही अच्छा कंडीशन में था, तो ऑब्वियसली मैंने बाई कर लिया। इसीलिए मैं आपको इस वीडियो बनाने के ही है मैं कि आपको सेकेंड हैंड मार्केट से आप एक काइंड ऑफ 30,000 के अंडर में आप खरीदोगे तो ये कैसा परफॉर्म करने वाला है, 2021 का स्टैंडर्ड का है या नहीं। ऑब्वियसली इसका जो मेन हाईलाइटिंग पॉइंट है इसका डिस्प्ले, आपको मैं क्लियर बता देना चाहता हूँ, क्योंकि हाई रिफ्रेश रेट सपोर्ट मिलता है 90 Hz का, जो कि काइंड ऑफ 2019 के फोन में ना बहुत ही ज़्यादा रेयर था, क्योंकि सबसे पहली बार है ना आपको गेमिंग फोन को एक बार साइड में रखे तो स्टैंडर्ड फ्लैगशिप में सिर्फ वन प्लस ने पहली बार 7 Pro में दिया था, उसके बाद 4 महीने बाद OnePlus 7T Pro लॉन्च हुआ तो उसमें आपको हाई रिफ्रेश रेट मिला था, तो ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा पॉइंट बन जाता है 2021 में भी, एक फ्यूचर प्रूफ हो जाता है डिवाइस। तो अगर आप नॉर्मल दूसरे कोई भी डिवाइस S10 सैमसंग की 2019 में लॉन्च हुआ, S10 Note 10, उसमें सब आपको हाई रिफ्रेश रेट नहीं मिलता, तब कोई भी स्टैंडर्ड फ्लैगशिप में नहीं मिला था, तो ये बहुत बड़ा पॉइंट बन जाता है। एंड आपको लगेगा कि बहुत सारे लोगों को 90 Hz बहुत ज़्यादा कोई एक्साइटिंग नहीं लगेगा, मैं आपको ये बात जानता हूँ, बट गाइस मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये मैंने एक्चुअली OnePlus 8 Pro भी यूज़ कर चुका हूँ, OnePlus 8T भी सब यूज़ कर चुका हूँ एंड इसमें गाइस ये जो 90 to 120 Hz में जंप है ना बहुत ज़्यादा कम है गाइस, आपको मैं एक काइंड ऑफ एक स्मूथनेस की स्टैंड ऑफ पॉइंट से बता रहा हूँ। बट अगर अब मैं इसके प्रोडक्टिविटी की बात करूँ ना तो गाइस ऐसा अभी भी 2021 में बहुत सारे कोई ऐसा एप्लीकेशन नहीं है कि जो ठीक से 90 Hz भी सपोर्ट करते, गेमिंग की बात करूँ तो काइंड ऑफ अगर फ्यूचर में भी काइंड ऑफ कोई गेम हाई रिफ्रेश रेट सपोर्ट करेगा ना तो मैक्सिमम 90 Hz ही होने वाला है, क्योंकि उससे ज़्यादा तो मोबाइल के जो चिपसेट है ना उतना भी बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं है कि उतना भी सपोर्ट कर पाए, आपको क्लियरली बता दें तो 90 Hz इज मोर देन इनफ गाइस, चाहे स्मूथनेस की बात करो, ओवरऑल यूआई भी बहुत ज्यादा स्मूथ है एंड कोई आपका इस एप्लीकेशन भी हाई रिफ्रेश रेट के साथ कोई गेमिंग भी करना चाहते हो तो वो भी आपको आराम से हो सकता है, स्क्रोलिंग बहुत ज्यादा स्मूथ है यहाँ। एंड जब गाइस इसके हम डिस्प्ले क्वालिटी की बात करो गाइस ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा विजिबल, बहुत ही ज्यादा क्रिस्टल क्लियर एंड कलरफुल डिस्प्ले है गाइस, क्योंकि एक्चुअली सुपर एमोलेड डिस्प्ले, ये जो कि क्वाड HD डिस्प्ले, कोई नॉर्मल फुल HD नहीं है, क्वाड HD प्लस डिस्प्ले जो कि काइंड ऑफ हाई रिजोल्यूशन के साथ आता है, तो जो ओवरऑल मुझे क्वालिटी मिला चाहे मीडिया कंजम्पशन, मैंने एक्चुअली बहुत सारे नेटफ्लिक्स में, अमेजन प्राइम के वेब सीरीज, यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो स्ट्रीम किया एंड जो एक्सपीरियंस मुझे मिल रहा है ना नेक्स्ट लेवल है। ऑब्वियसली आप जानते हो ना उसका मेन रीजन है इसका, एक तो क्वाड HD डिस्प्ले प्लस सुपर एमोलेड एंड गाइस मेन इज इसका जो फुल व्यू डिस्प्ले, यहाँ आपको कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं दिख रहा होगा, चाहे पंच होल की बात करो, नॉच या बेजल या कुछ भी, इसका जो मेन रीजन है पॉप अप कैमरा, तो ऑब्वियसली इसके वजह से क्या है ना गाइस, मैं आई नो कि पॉप अप कैमरा बहुत ज्यादा रिलायबल नहीं है क्योंकि मोटराइज सोर्स है ना, फिर भी ओवरऑल बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ मैं उतना भी बुरा चीज़ नहीं, क्योंकि मैं एक्चुअली सेल्फी कैमरा में यूज़ ही नहीं करता हूँ तो एक्चुअली बंद ही रहने वाला है, तो इसी वजह से मुझे ज़्यादातर मीडिया कंसम्पशन यूज़ करता हूँ ना, तो इसके वजह से ये जो मुझे काइंड ऑफ अच्छा सा बेनिफिट मिल जाता है, क्योंकि फुल व्यू डिस्प्ले बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है गाइस, बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी क्लैरिटी के मामले में नेक्स्ट लेवल है डिस्प्ले एंड गाइस ये एक्चुअली सटल कर्व के साथ आता है, आप जानते हो थोड़ा सा साइड ऑफ बहुत ज़्यादा एकदम से डीप कर्व नहीं है, फिर भी ओवरऑल एक कर्व डिस्प्ले, तो कर्व डिस्प्ले के मैं बताऊँ थोड़ा सा बेनिफिट भी है ओवरऑल, थोड़ा सा डिसएडवांटेज भी है। जो कर्व डिस्प्ले का मुझे बहुत बड़ा बेनिफिट ये लगा गाइस, जब भी है ना अभी लिटरली बहुत सारे लोग है ना नेविगेशन गेस्चर के साथ यूज़ करते हैं जो कि काइंड ऑफ पहले के जैसे बटन के साथ नहीं यूज़ करते, तो जब स्ट्रेट डिस्प्ले की बात आती है ना तो जब उसमें आप कोई केस डाल के यूज़ करोगे ना तो जो हम जब गेस्चर्स ओवरऑल यूज़ करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं होता, थोड़ा बहुत आपको ज़्यादा करना पड़ता है, बट जब कर्व डिस्प्ले होता है ना तो बहुत ज़्यादा ईजी होता है गेस्चर यूज़ करने का, तो जो बहुत ही बड़ा एक पॉइंट कह सकता हूँ, क्योंकि अगर आप नेविगेशन गेस्चर सब यूज़ करते हो तो कर्व डिस्प्ले बहुत ज़्यादा बेटर है, मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। एंड गाइस दूसरा जो पॉइंट है वो उसका कर्व डिस्प्ले अलग ही एक प्रीमियमनेस प्रोवाइड कर पाते हैं, जो कि फ्लैट डिस्प्ले आपको बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, क्योंकि कर्व होने की वजह से ना जो साइड बेजल्स है ना बिल्कुल भी इनविजिबल रहते हैं, तो एक डिस्प्ले है ना कंप्लीटली एक बेजललेस फील देता है, तो एक काइंड ऑफ थोड़ा सा मैं कहूँगा साइकोलॉजिकल गिमिक है, बट ओवरऑल एक काइंड ऑफ काम कर जाता है क्लियरली।
इसका जो डिजाइन है ना गाइस, मैं कहूंगा बहुत ज्यादा अंडरस्टेटेड है, बहुत ज्यादा सिंपल है एंड बहुत ही ज्यादा प्रीमियम दिखता है। क्योंकि है ना गाइस, एक सिंपल सा लगता है, क्योंकि जब कोई कोई चीज है ना सिंपल दिखता है ना, तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा फ्यूचर में भी, लॉन्ग टर्म में भी ना बहुत ज्यादा कोई इशू नहीं आता, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो काइंड ऑफ ये मैट फिनिश के साथ आता है, वन प्लस इसको हेज ब्लू कहता है। तो एक्चुअली क्या है ना गाइस, इसका मेन सामने से भी कर्व है, पीछे से भी कर्व है, इसकी वजह से जो साइड रेलिंग है ना बहुत ज्यादा पतला है। इसकी वजह से अगर आप बिना केस के यूज करने जाओगे ना, तो डिवाइस बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है, ग्रिप ठीक से नहीं मिलता, बट इसको ऑब्वियसली आपको एक केस डाल के यूज करना पड़ेगा। एंड ये वन प्लस का फोन है, एंड इसमें जो हाईलाइटिंग फीचर है इसका परफॉर्मेंस विदाउट एनी डाउट गाइस, स्नैपड्रैगन 855 प्लस प्रोसेसर के साथ आता है, जो कि ओवरक्लॉक वर्जन ऑफ स्नैपड्रैगन 855 है, जो कि गाइस काइंड ऑफ पिछले 2019 का प्रोसेसर है। बट गाइस ये स्नैपड्रैगन 855 प्लस विद ऑक्सीजन ओएस एंड 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है ना, विदाउट एनी डाउट नॉर्मल डे टू डे लाइफ में ना डिफरेंस बिल्कुल पता ही नहीं चलता, अगर मैं 865 से कंपेयर करूँ तो। क्योंकि गाइस मैंने कहा था ना, मैंने एक्चुअली जो वन प्लस के 8 प्रो भी यूज कर चुका हूं, तो डिफरेंसेस बिल्कुल ना के बराबर, क्योंकि ऑक्सीजन वाइज गाइस बहुत ज्यादा स्मूथ है, ओवरऑल बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड होता है। बट गाइस ओवरऑल जब आपको थोड़ा सा गेमिंग के लिए डिवाइस, स्नैपड्रैगन 855 प्लस है ना गेमिंग डेडिकेटेड चिप्स है, बट अगर स्नैपड्रैगन 865 से कंपेयर करोगे थोड़ा बहुत पीछे रहने वाला है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन का चिप सेट है, तो 6 to 7 FPS का डिफरेंस रहने वाला है, तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। ओवरऑल डे टू डे लाइफ में इट मक्खन चलता है गाइस, बहुत ही ज्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस है, बहुत ही ज्यादा आपको कोई इसमें इशू नहीं आने वाला बिल्कुल। तो इसमें आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं, तो ऑब्वियसली जो ओवरऑल जो साउंड क्वालिटी आउटपुट है ना क्लियर है, बहुत ज्यादा लाउड भी है। तो जब मीडिया कंसम्पशन के लिए डिस्प्ले प्लस जो स्पीकर है ना, जो एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा प्रोवाइड कर पाता है, विदाउट ईयरफोन भी अगर यूज करोगे ना तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर पाएगा। एंड मैं एक चीज आपको ऐड करना चाहता हूँ गाइस, इसमें आपको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिल जाता है। तो ऑब्वियसली अगर आपके पास कोई वन प्लस का ईयरबड्स होगा, एयरपॉड जो कि डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट करता है ना, तो अगर वीडियोज कुछ वॉच करते हो ना जो कि डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट करते हैं, जैसे नेटफ्लिक्स में अभी बहुत सारे सीरीज सपोर्ट करते हैं, तो इससे क्या होगा ना गाइस, जो आपको ओवरऑल एक काइंड ऑफ इमर्सिव सराउंड साउंड का सपोर्ट मिल जाएगा। जो कि मैं वन प्लस बड्स यूज करता हूँ, बड्स जेड जो कि लेटेस्ट है, उसके में क्या है ना, जो ओवरऑल मुझे वीडियोस वॉच करता हूँ या म्यूजिक देखता हूँ, जो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मिलता है। तो ऑब्वियसली अगर आपके साथ ऐसा कुछ होगा ऐसा सर्विस, तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये भी बन जाता है, तो मैं आपको बताना जरूरी समझता था। 2021 के हिसाब से इसके जो कैमरास है ना, मैं बहुत ज़्यादा बुरे नहीं कहूँगा, ओवरऑल इसके जो क्वालिटी है ना अच्छे आते हैं, डे लाइट में की बात करूँ या नाइट लाइट की बात करूँ। एक्चुअली इसके जो अगर मैं सेंसर्स की बात करूँ ना, तो मेन कैमरा है ना सोनी का IMX586 सेंसर है, जो कि काइंड ऑफ मिड रेंज डिवाइस में भी मिल जाता है, रेडमी के कहूँ तो। बट गाइस ओवरऑल सारी चीज़ सेंसर्स ये हार्डवेयर पर नहीं होते, सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छा है इसका, ओवरऑल डायनामिक रेंज सब अच्छे आते हैं। एंड अगर इसमें आपको एक टेलीफोटो लेंस भी मिल जाता है, एक्चुअली इसमें आपको 3x का ऑप्टिकल जूम भी मिल जाएगा, एंड ये आपको एक अल्ट्रा वाइड लेंस मिल जाएगा। तो ऑब्वियसली जो आपको एक बेसिक कैमरा चाहिए दो तीन भी आपको इसमें मिल जाता है, ओवरऑल आपको लेजर ऑटो फोकस भी मिल जाएगा, तो ऑब्वियसली कोई फोकस करने के लिए अच्छा होगा। तो ओवरऑल कैमरा क्वालिटी अभी भी काइंड ऑफ इम्प्रेसिव है, मैं आपको कहना चाहता हूँ, बट मैं कहूँगा इट इज़ नॉट अप टू द फ्लैगशिप लेवल, बट ओवरऑल अच्छे खासे फोटोज निकाल देता है, एंड वीडियोज की भी मैं बात कर रहा हूँ गाइस, दैट्स ऑल। एंड इसका जो है ना, इसमें आपको वाटर रेजिस्टेंट का सपोर्ट नहीं मिलता आपको, फिर वायरलेस चार्जिंग में नहीं मिलता, बट गाइस मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। एक्चुअली है ना, वन प्लस ने जो भी एक वाटर रेजिस्टेंट के जो भी सील चाहिए ना, जैसे रबराइज आपको देख सकते हो यहाँ पे सिम कार्ड के वहाँ भी दिया हुआ है, जो कि काइंड ऑफ आपको बहुत ज़्यादा हाईली वाटर में कोई आपका डिवाइस गिरेगा तो भी प्रोटेक्ट कर पाएगा। एक्चुअली मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे जो रिव्यूअर्स है ना यूट्यूब में, उन्होंने टेस्ट भी किया, एंड काइंड ऑफ नॉर्मल जो वाटर इश्यूज है ना, अगर आप गलती से आपके पानी में गिर गया तो बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला, क्योंकि अगर आप एक वाटर रेजिस्टेंट का सर्टिफिकेट लेना होगा ना, तो ऑब्वियसली आपको उसमें के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। तो पे कर इसकी इसीलिए वन प्लस ने कॉस्ट कटिंग के लिए सारा जो भी सील चाहिए ना वाटर रेजिस्टेंट के लिए वो दिया है, बट इसका जो सर्टिफिकेशन नहीं लिया, जो कि मुझे बहुत बड़ा इशू नहीं लगता। हाँ गाइस, वायरलेस चार्जिंग का मुझे थोड़ा इशू लगा, क्योंकि इतना एक फ्लैगशिप डिवाइस है तो वायरलेस चार्जिंग होना चाहिए था। पर्सनली 30 वाट का जो फास्ट चार्जर है ना, उसकी कमी को भी क्लियर कर देता है, क्योंकि जो बहुत ज्यादा फास्ट चार्ज होता है आधे घंटे में 50-60% भी हो जाता है काइंड ऑफ, तो इसलिए बहुत बड़ा इशू नहीं लगा मुझे पर्सनली, बट आपको इशू हो सकती है कुछ लोगों को जो वायरलेस चार्जिंग पर्सनली प्रेफर करते हैं। पहले जो क्वेश्चन किया था ना, क्या 2021 का स्टैंडर्ड का है ये डिवाइस या नहीं, तो ऑब्वियसली आपको मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ,
Yes guys, actually नया नहीं, सेकेंड हैंड मार्केट से आपको अंडर 30,000 विथ वारंटी वाला डिवाइस मिल जाए तो ऑब्वियसली आप कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा हाई क्वालिटी डिस्प्ले मिल जाता है, हाई रिफ्रेश रेट भी मिल जाता है इसमें, जो कि आप गेमिंग के लिए या कोई स्मूथनेस के लिए यूज़ कर सकते हो। ऑक्सीजन ओएस का सपोर्ट है इसमें, एंड गाइस मेन इंपॉर्टेंटली जो डिज़ाइन है ना, ओवरऑल लुक्स बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम है विदाउट एनी डाउट, कहीं से भी आपको एक फ्लैगशिप डिवाइस ही लगने वाला है, एंड ये क्लियर कर दिया जाता है। तो ऑब्वियसली गाइस इट मेक्स लॉट ऑफ सेंस। आई नो कि जो अभी Pro भी आ रहा है एंड वन प्लस काइंड ऑफ 8 Pro भी है जो कि इसका प्राइस ड्रॉप होने वाला है, फिर भी आई थिंक आप एक बार वेट कर लो वन प्लस 9 Pro सीरीज के लिए, उसके बाद मे बी वन प्लस 8 Pro का या 8 का प्राइस ड्रॉप हो जाए, उसके बाद बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो चुका है तो ऑब्वियसली उसको लेने का बहुत बड़ा पॉइंट बन जाता है। बट काइंड ऑफ अभी के हिसाब से मुझे लगता है 28-30,000 के अंदर में आपको सेकंड हैंड मार्केट पर मिल जाए ना, तो ऑब्वियसली मेक्स लॉट ऑफ सेंस, क्योंकि अगर वन प्लस 8 एंड इसमें डिफरेंसेस की बात करूँ ना गाइस, तो काइंड ऑफ एक ही बहुत बड़ा डिफरेंस लगता है, उसमें आपको जो प्रोसेसर है ना स्नैपड्रैगन 865 मिल जाता है, तो ऑब्वियसली उसमें एक बहुत बड़ा पॉइंट क्या है ना, 5G है, क्योंकि परफॉर्मेंस में ओवरऑल डे टू डे लाइफ में आपको डिफरेंस नहीं दिखने वाला, बट मेन है उसका 5G सपोर्ट करता है, तो ऑब्वियसली वो एक पॉइंट बन जाता है वन प्लस 8 लेने का। बट ओवरऑल मुझे जो प्रीमियमनेस के मामले में वन प्लस 8 भी यूज कर चुका हूं, मुझे थोड़ा सा बेटर लगा डिस्प्ले क्वालिटी के मामले में। दैट्स ऑल गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो।